सुष्मिता सेन भारत की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल हैं। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में हुआ। सुष्मिता सेन एक बंगाली समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और पहली बंगाली महिला हैं जिन्होंने ब्यूटी प्रतियोगिता में विश्व स्तर पर जीत हासिल की। 1994 में महज 18 ईयर्स की उम्र में उन्होंने भारत की पहली मिस यूनिवर्स होने का खिताब अपने नाम किया। इनकी इस उपलब्धि के कारण उनका नाम विश्व भर में बड़ी तेजी से प्रचलित हुआ। व्यक्तिगत जीवन में सुष्मिता सेन बहुत ही खुशमिजाज लेडी हैं। फिल्म जगत में आने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ उनके अफेयर्स के किस्से सुर्खियों में बने रहे, मगर अब तक इन्होंने किसी से भी शादी नहीं की है। सुष्मिता सेन ने दो लड़की रैनी और अलीशा को गोद लिया है, जिसे न केवल अपने परिवार में बल्कि पूरे समाज में सुष्मिता सेन हर किसी के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आई हैं। सुष्मिता सेन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में दस्तक फिल्म से की थी, मगर यह फिल्म अधिक लोगों का आकर्षण नहीं खींच सकी, जिस वजह से यह सफल नहीं रही। इसके बाद सुष्मिता सेन जी ने 1999 में बीवी नंबर 1 में एक सहायक किरदार का रोल निभाया था, जिससे उनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी। इसके बाद उनकी कुछ सफल फिल्में भी आईं, जैसे मैं हूं ना, मैंने प्यार किया और आंखें जैसी अन्य फिल्में सामने आईं। अगर सुष्मिता सेन के परिवार के सदस्यों के बारे में बात करें तो उनका परिवार एक बंगाली वैद्य परिवार है। उनकी माता एक साधारण हाउसवाइफ हैं और उनके पिता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर कार्यरत थे। यह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जो परिवार विश्व का एक प्रचलित परिवार बन गया। महज 18 ईयर्स की उम्र में सुष्मिता सेन ने 1994 में भारत को मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया। इसके बाद मॉडल और फिल्म अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काफी उम्दा कार्य किया। परिवार के अन्य सदस्य में इनकी दो बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया है और उनका एक भाई राजीव सेन शामिल है। सुष्मिता सेन के पिता एयरफोर्स में थे, जिस वजह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट में हुई। एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने बताया कि एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल दिल्ली में था और इस स्कूल में दाखिला लेने से पहले वह हिंदी मीडियम स्कूल की एक छात्रा रही थी, जिस वजह से उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग था। हालांकि दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तेलंगाना के प्रचलित कॉलेज सेंट आना से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। सुष्मिता सेन पढ़ाई में एक साधारण छात्रा रही। 12वीं की परीक्षा देने के बाद महज 18 ईयर्स की उम्र में वे मिस यूनिवर्स बन गईं। इसके बाद सिकंदराबाद के सेंट आना से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की, जो इस वक्त तेलंगाना राज्य में स्थित है। सुष्मिता सेन का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है। अभी हाल ही में सुष्मिता सेन का नाम ललित मोदी के साथ जुड़ते हुए देखा गया। ललित मोदी भारत के जाने माने व्यापारी हैं। उन्होंने भारत में आईपीएल की शुरुआत की थी। जुलाई 2022 को ललित मोदी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक साझा पोस्ट शेयर करते हैं और कहते हैं वे भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को पूरी तरह से साफ किया कि अभी तक दोनों ने शादी नहीं की है, मगर दोनों अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सुष्मिता सेन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह बात कंफर्म की कि वह ललित मोदी के साथ डेट कर रही हैं।